हैप्पी बर्थडे टू आफ्ता रात के बारह बज के बीस मिनट हो गए हम लोग मेरे बेबी के बर्थडे पे भी ये वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और मैं अपना केक छोड़ के इधर आया हूँ <laughs> एवरीवन वेलकम बैक टू माय स्पेस आज के वीडियो के टॉपिक से तो आपको पता चल ही गया इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर जॉश फ्रॉम अमेरिका सेल्फ एंड आफताब फ्रॉम द यूके तो जोश जो है आया है यूके हमसे मिलने के लिए लंदन में कुछ एक हफ्ता के लिए कि जोश और आफताब दोनों एक कंपनी से है और दोनों एक टाइप वीजा से अपने-अपने कंट्रीज में गए हैं फ्रॉम इंडिया तो हम इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप में से जो लोग प्लान कर रहे हैं यूके या यूएस में शिफ्ट होना चाहते हो ऑन वर्क वीजा या स्पॉन्सरशिप वीजा आप लोगों के लिए है सो so बेसिकली हम सारे कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड अदर पॉइंट सारे सब कुछ कलेक्ट करके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहे हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं यूके वर्सिज यूएस एंड इट्स जस्ट टू गिव अ डिस्कलेमा इट इज नॉट अ डिबेट इट इज जस्ट द बेनिफिट्स गुड एंड बैड पॉइंट्स दैट वी ऑल थिंक एक-एक कंट्री -एक, uh, के अपने-अपने हैं उसके बाद आप ऑब्वियसली डिसाइड कर सकते हो आई एम श्योर आपके अपने रिसर्च होंगे प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू जस्ट कम टू अ कंक्लूजन विद दिस वीडियो तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं कम ऑन बॉयज लेट्स बिगिन सबसे पहला पॉइंट है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप वीजा टेन्योर के आपका वीजा टाइप क्या है सो so, मेरा है स्किल्ड वर्कर वीजा परफेक्ट और आपका

स्किल्ड वर्कर का थोड़ा सा तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू द यू एस दो महीने लगे मुझे इंडिया से यहाँ पर आने के लिए इनिशियल थ्री ईयर्स की आपको वीज़ा होती है विच इज़ विच इज़ बेसिक उसके बाद आपको दो साल ऑप्शन होता है एक्सटेंड करने का जब आप पाँच साल इस कंट्री में लीगली रह लेते हो आपको आई एल आर विच इज़ इन डेफिनेट लीव टू रिमेन का ऑप्शन होता है तो आप जब वो अप्लाई करते हो उसके बाद आप कितने भी समय के लिए वीज़ा फ्री यू में आप रह सकते हो आपको आई मिलने के बाद आपके पास 15 से 18 मंथ्स का और टाइम होता है आपको अगर आपने स्पेंड कर लिया आफ्टर योर आई आप नेचुरलाइजेशन के लिए एलिजिबल होते हो विच मीन्स आप ब्रिटिश सिटीजन वाया ब्रिटिश पासपोर्ट आप पा सकते हो मोटा मोटी सेवन ईयर्स के अंदर आप जीरो से ब्रिटिश पासपोर्ट तक एलिजिबल हो जाते हुँ.

कन्वर्ट मत करो इंडियन करेंसी में बिकॉज oh, अगर yeah. आपको किसी ने ऑफर किया है फिफ्टी थाउजेंड पाउंड एनुअली आपको ये कन्वर्ट करके लगेगा अरे बहुत अच्छी सैलरी है पचास लाख मिल रहे हैं साल के परचेजिंग पावर पैरिटी करके एक कॉन्सेप्ट होता है yeah. उसको ध्यान में रख के प्लीज uh, कंसीडर करो कि आप सरवाइव कर लोगे यूके hmm. में या मैं आप जैसा सोच रहे हो पचास लाख में वैसे वाले मौज मस्तियां यहाँ नहीं हो पाएगी आई बिंग रोल के लिए आप हायर हुए हो ग्रेडिंग सैलरी की भी की जाती है मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस सैलरी पे मैं हायर हूँ इट इज वेरी डिसेंट एट पार जहाँ पे जो यहाँ yeah. के लोगों को मिलती है और क्या हो के उस टाइम का मार्केट स्टैंडर्ड में क्या चल रहा है बॉम्बे में हूँ हम सब जानते हैं रेंट कितना हाई है एंड ऑल hmm. अगर आप मलाड अंधेरी के बीच में रह रहे हो अ वन बी एच के मे कॉस्ट यू बिटवीन थाउजेंड यसटीन थाउजेंड अभी भी चल रहेगा इस सोलह हजार से लेके तीस हजार तक आपको एक पर uh, मंथ एक रेंट देना होता है वही चीज अगर आपको सम हाउ कन्वर्ट करना है इन द यू के मैं मैं सिर्फ यूके की बात करूंगी इट्स uh, अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ के मलाड अंधेरी के बीच में रह रहे हो तो आप हो सकता है लाख लाख पचास हजार या शायद दो लाख तक भर सकते हो रेंट तो इट्स अ बिग डिफरेंस तो अगर आप वहां लाख रुपए कमा रहे हो और बीस तीस हजार दे रहे हो ऑन अ रेंट इट्स अ गुड परसेंटेज ऑफ योर सैलरी बट डेफिनेटली नॉट फिफ्टी परसेंट ऑफ योर सैलरी राइट आपको बाकी चीजें भी देखनी है वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप पचास लाख आपको दिए जा रहे हैं एज अ पैकेज और आप अगर चार लाख पर मंथ कमा रहे हो या तीन लाख पर मंथ कमा रहे हो यहाँ पर तो आपका डेढ़ से दो लाख तो चला गया रेंट पे तो आपको वो सब सोचना पड़ेगा इंडियन रुपीज से पाउंड इंडियन रुपीज से डॉलर को कन्वर्ट मत कीजिए सोच रहे हो टू मूव एन ऑल ऑफ मिनिमम कितना मिलना चाहिए मिलता है ट्वेंटी थर्टी वन थाउजेंड गाइस नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवल। आप सोच रहे हो कि मैं यूके में हूँ मुझे साल में दो बार इंडिया जाना है कंपेरेटिवली आपको थोड़ा चीपर होगा बॉलीवुड वाली सारी जगह में देखो जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया पेरिस हो गया और आजकल सारी शूटिंग बुडापेस्ट में हो रही है और शादी इटली और शादी इटली में हो रही है तो यहाँ से एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन है प्राइस बहुत ही वेरी लो तो... तो आपको लगता है कि यूके इज बेटर इन टर्म्स ऑफ़ ट्रैवल टू यूरोप यस यहाँ से यूके से आप हाँ. कहीं भी ट्रैवल करोगे तो ट्रेन में ट्रैवल कर ले तो वीजा नहीं 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 हाँ. वहाँ पे भी इमिग्रेशन प्रोसेस होता है प्रॉपर हुँ. ट्रेन स्टेशन में सेम जैसा एयरपोर्ट पे होता है वैसे ही होता है सो so, वो सब चीजें आप प्लीज कंसिडर करो ऐसा नहीं की कोने से जम मार दिया दीवार में बैठ गए ट्रैवल का क्या सीन है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है बहुत ही कुछ अलग अलग दिखने दिखता है ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट इट डिफर्स एल्सिटेड पॉसिबिलिटीज है कि आप यूरोप भी घूम सकते हो बट ये वीजा प्रॉब्लम टिकट में लिमिटेड कैनेडा मैक्सिको

िटी यूएस okay. like yeah, mm. yeah. में है ये मैं जानती हूँ बहुत सारे इजिली एवरी लाइक इट्स वेरी आई नो हि थ्रो इज अ वेरी बिजी एयरपोर्ट हाउ एवर

मतलब अगर मैं यहाँ हूँ क्या मैं तुम्हारे यहाँ आकर काम कर सकती हूँ तुम्हारी डिपेंडेंट एंड तुम्हारी uh, कोई भी डिपेंडेंट जब होगी एलिजिबल बैचलर है तो <laughs> so, uh, अगर आपकी कोई डिपेंडेंट इन योर कंट्री इन योर वीज़ा क्या वो काम कर सकते हैं ये बस एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा है तो जो मेरे डिपेंडेंट पार्टनर होते हैं उनके पास बाई डिफॉल्ट डिपेंडेंट वीजा आ जाती है विच विल बी एग्जैक्टली द सेम दैट आई हैव इज़ अगेन थ्री प्लस टू एंड

तो अगर मैं शादीशुदा होता एंड और एल्स आई हैड अ पार्टनर बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा एंड कमिंग टू वर्क इन दैट सिनेरियो मी एंड माय पार्टनर वुड हैव द सेम एल वन बी वीजा ऑन माय स्पॉन्सरशिप लेकिन अगर जो तुम्हारा सिचुएशन है अभी तुम बैचलर हो कल को तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी डिपेंडेंट वाइफ जब यूएस जाएगी न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाएगी शी विल हैव नो राइट टू नो राइट इट इज अ स्पॉन्सरशिप सॉरी स्पॉन्सरशिप के लिए इफ

Yes. Yes. आगे आगे खर्चा वो करेगा बट सेम चीज कर सकते हो एग्जैक्टली सो दैट इज नॉट द केस आई गेस दस अगर आप इस सिनेरियो में हो इन में से कोई भी सिनेरियो में हो एंड यू प्लान दैट आपका डिपेंडेंट जो है आपके साथ काम आपको सोचना पड़ेगा बिकॉज यूके में इट इज अलाउडी नहीं है अनलेस स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं टैक्स अब ये दोनों सैलरी पे है तो लेट्स टॉक अबाउट ओनली सैलरी टैक्स बारह हजार सात सौ पचास पाउंड सालाना उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता बट yeah. उसके ऊपर आप जितना कमाते हो उसके उस उस डिफरेंस पे आपको टेन परसेंट लगता है थोड़े एक स्लैब पे आने तक वहाँ पे आपको ट्वेंटी परसेंट लगता है और एक्स स्लैब के बाद आप जितना भी कमाते हो उसके ऊपर फोर्टी परसेंट लगता है रिसेंटली uh, यहाँ पे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे बोलेंगे वन फिफ्टी थाउजेंड पाउंड्स के ऊपर आपको जितना भी था उस पर फोर्टी फाइव परसेंट टैक्स था बट अभी वो हमने स्लैब कम करके वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कर दिया है तो अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है टैक्सेस फोर्टी फाइव परसेंट रेंज में बट येस ये चार ब्रैकेट में आप फॉल करते हो टेन ट्वेंटी फोर्टी एंड फोर्टी फाइव सो दाइस्ट इज़ फोर्टी फाइव परसेंट फ्राम योर सैलरी क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स दिखाने पड़ते हैं आफ्ताब यहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना पड़ता no, टैक्स बाई डिफॉल्ट है

person or individual then you have to tax separately you can also file tax jointly if you are a partner or a married couple so wo ek hai and then so you have to file here as well yeah yeah you have okay. to file yes and uh, we find, roughly i think it is somewhere between 20 to 30% that is including your state council and the federal tax what yes it's all inclusive <laughs> in it aur wo ek sath hi aapke salary se deduct ho ke

डॉक्टर uh, यहाँ पे आपको फ्री uh, कंसल्टेशन है ओके okay? uh, अगर आप फॉल करते हो कुछ कुछ कैटेगरी में तो आपको मेडिसिन भी फ्री है आपका डायग्नोस हुआ है कि आपको प्रॉब्लम क्या है तो आई थिंक आपकी uh, तो आपकी सर्जरी भी फ्री हो जाती है सो मेडिकल ज़ीरो स्कूलिंग फॉर जो पब्लिक स्कूल्स है गवर्नमेंट स्कूल है वो फ्री एजुकेशन है आपको आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है उसके अलावा uh, उनको लंडन में well. तो मैक्सिमम या तो एक नॉर्मल इंसान का जहाँ पे मैक्मम खर्चा हो जाता है आई थिंक वो काफी चीजें यहाँ पे कंट्रोल्ड है या फ्रीजन yeah, जो है उनको भी एक स्पेशल बस पास मिलता है जहाँ वो फ्री ट्रेवल कर सकते हैं uh,

सोच समझ के बोलूँ तो नहीं पे <laughs> कोई टिप कल्चर नहीं है आप बताना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या जो इंडिया से यूएस आ रहे हैं रेडी बी जो टिप कल्चर जो हम इंडिया में देखते हैं और जो आफ्ताब ने जो बोला जो यूके में होता है वो उसके कंपैरेटिवली एकदम ही ऑपोजिट है <laughs>

अब पता लगाते हैं हैं देखो एट द द एंड ऑफ डे हम हम कोई और कंट्री में जाएंगे तो दिक्कत तो our culture, our friends, our हुँ, हुँ. तो दिक्कत तो दिक्कत दिक्कत होती है वी डोंट हैव कल्चर फ्रेंड्स फैमिली वो मतलब रहेगी इट्स इट्स नॉट अ डिबेट डिबेटर कि कौन बेटर है कौन नहीं बट यू नीड टू नो कि दोनों साइड ऑफ कंट्रीज में होता कैसा है क्या यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते थोड़ा सा ऐसा रिजर्व कल्चर सा है ऐसा यहाँ पे लोग को अपना चलना स्पेस काफी पे पहले तो सब लोग कोई अपने घर पे आपको फटक से इनवाइट नहीं करते ही बात आ जाती है अवेलेबिलिटी देख के फिर डिसाइड करते है घर जाना है या नहीं जाना है मोस्टली लोग कम मिलना पसंद करते हैं घर पे लोग आउटडोर में ही ज़्यादा मिल लेते हैं जैसे कि पार्क्स हो गया डिपेंड डिपेंडर वेदर भी देखना पड़ता है

कैन गो आउट ऑफ एंडली एक्सप्रेसिव इन देयर थॉट्स यू नो बी अफेंडेड बाई थिंग्स तो उस हिसाब से हिसाब hmm. so, से प्रॉबली जहाँ पे लोग आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं देन यू नो एक कन्वर्जेशन नहीं होगा यू एस में प्रॉब्ली एक कन्वर्जेशन हो भी सकता है नहीं हो hmm. सकता है या तो एक कोई दूसरी दिशा में चले जा सकते हैं कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन फिल्टर्स someone to get explicit in their talks so, <laughs> i've heard conversations i've not been part of it very fortunate but i've heard stories and let's not creep into that but okay, people right? are way too like filtered zyada filtration Aapko between the lines padta hai. electronic prices guys so normal se zyada. slightly on a higher side yes expensive come uh, here come come, come. priced it in such a way it is competitive ऑप्शन hmm. uh, भी ज्यादा है तो यू गेट इट एट अ गुड रेट बहुत सारे स्टेट्स hmm. well. hmm. तो वो टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से

अब तब तो नहीं गया हो। बुकिंग हो गया है बुकिंग <laughs> के लिए प्लीज को एक कुछ तो छोटा दे देना है के लिए हम बोल रहे हैं फ्राइज फ्रेंच फ्राइज राइट ये है आपके वर्ड्स साउथ वॉक एंड वाइटमिन सदक बोलते हैं Yeah. एक मिनट वापस बोल हम उसको सड़क बोलते हैं सड़क सड़क आईनो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अबे द का है <laughs> हमने अभी बीच में इंटरप्ट कर दिया था क्योंकि सास भी कभी बोलती <laughs> नहीं क्योंकि मेरा बर्थडे अच्छा बर्थडे गाइस विश आफताब अ वेरी हैप्पी बर्थडे